खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं अनुश्री, आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल। भंडारा जिले से कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता आज कांग्रेस के मोहन पंच भाई जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ईडी द्वारा सोनिया जी को जांच के लिए बुलाया था, जिसके विरोध में भंडारा जिले में नेशनल हाईवे 6 नंबर विशाल रैली निकाली गई। आइए दिखाते हैं संवाददाता सैयद जाफरी की यह रिपोर्ट। भंडारा जिले से कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता आज कांग्रेस के मोहन पंचभाई जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ईडी द्वारा सोनिया जी को जांच के लिए बुलाया है। उसके विरोध में भंडारा जिले के नेशनल हाईवे 6 नंबर पर विशाल रैली निकाली गई और रोड के बीच में बैठकर तीव्र विरोध किया गया। इस आंदोलन में कांग्रेस के जिया पटेल, प्यारेलाल वाघमारे, कांग्रेस महासचिव युवा जिलाध्यक्ष पवन बंजारी, जीतू शहर अध्यक्ष आकाश ठक्कर, आनंद चिंचखेड़े, प्रकाश देशमुख, प्रफुल्ल बिस्ने, जय डोंगरे, विनीत आदि लोग मौजूद रहे। आज के भंडारा जिले में कांग्रेस सोनिया जी को लेके जो ईडी ने उसको बुलाया था, कांग्रेस मोहन पंचभाई, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और प्रदेश के सचिव जिया पटेल, इन लोग सबको, इन लोग रोड में बैठे थे और पुलिस ने उनको हिरासत में लेके और गाड़ी में बैठा रहा है और ये बीजेपी सरकार के विरोध में। अरे आरएसएस के दलाल लोग, जिया जी, जूते मारो सालों को, आरएसएस के दलाल लोग को, जूते मारो सालों को, आरएसएस के दलाल लोग को, जूते मारो सालों को। ऐसा क्या हुआ कि जब जब ईडी आपके राहुल गांधी को भी बुलाया था, आप लोग देश में आंदोलन किए थे और अभी सोनिया जी को भी बुलाया था? मामला ऐसा है, नेशनल हेराल्ड जो है वो देश के आजादी के लिए काम करने वाला पेपर है, जिस परिवार का त्याग और बलिदान इस देश के लिए है, जिस लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी देश के लिए दान किया है, उसके ऊपर ईडी का क्लेम लगाना, उसके ऊपर ये जो चार्जेस लगाना, ये गलत है। ये 14 का प्रकरण है, 16 में तो खत्म हो चुका था। ऐसे वक्त हमारे नेता एग्रेसिव होने लगे और बीजेपी को लगने लगा कि हमारे इसके बाद में कांग्रेस की सत्ता आने वाली है करके बदनाम करने का षड्यंत्र है। बीजेपी बदना चाहती है, विरोधों का आवाज दबाने का षड्यंत्र है, इसीलिए हम आवाज रास्ते पे बैठ के रास्ते पे आकर या कांग्रेस का कार्यकर्ता आवाज उठा रहा है और इनकी मनमानी नहीं चलने देगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस की सत्ता जरूर देखेगा।